हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज मैंने पायदान बनाया है। ये डोरमेट बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ये फूल जैसा बन जाता है इसमें, और मैंने पुरानी चुन्नियों से बनाया है फ्रेंड्स। आप मेरे घर में ये जैसे वाइट कलर की पुरानी चुन्नी पड़ी थी, ये ग्रीन और ये पिंक वगैरह, और रेड कलर से ये रेड कलर की ये वुलन थी मेरे पास मोटी, मैंने वो यूज़ करी है। आप कोई भी कलर यूज़ करके इसको बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। देखो कैसे बनाते हैं इसको। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने इसमें ये 30 फंदे डाले हैं। ये 30 फंदे शुरू में भी, जैसे मैंने ये 30 फंदे ही डाले हैं, यहाँ पे भी ये 30 फंदों से शुरू किया है। 30 फंदे डालने के बाद हम इसको बनाएंगे। इसको हमने उल्टा उल्टा ही ये बनाया है। ये पूरी पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी निकाल देंगे। एक फंदा ये स्लिप कर देंगे और इसको उल्टा बुनेंगे। ये पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बुनाएंगे। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, आप घर में पैरदान बनाएं, बहुत सुंदर दिखाई देता है ये, और बहुत अच्छे होम वॉशेबल होते हैं। घर में आप मशीन में इसको धो सकते हैं। ये राइट साइड है, ये जैसे मैंने पूरी सिलाई शुरू में भी ऐसे ही करना है। पूरी सिलाई 30 फंदे हमको डाल लेने हैं, और उसके बाद ये एक कलर से मैंने वाइट कलर से डाले हैं वाइट फंदे, और उसे पूरी सिलाई ये उल्टी उल्टी निकाल ली है। और ये देखो, अब ये लास्ट का फंदा है वो हम सीधा बुनेंगे। इसको ऐसे सीधा बुनेंगे जिससे कि हमारी ये किनारी बन के आए। ये किनारी बहुत अच्छी बन जाती है सीधा, लास्ट में सीधा फंदा बनाने से। अब इस साइड हमको, अब हम अलग अलग कलर चेंज करेंगे। यहाँ से पहले हम सफ़ेद कलर से 10 फंदे बुनाई करेंगे। एक फंदा ऐसे ही स्लिप करना है, दूसरा 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 फंदे हमने वाइट कलर से बनाए। अब हम 5 फंदे हम ग्रीन कलर से बनाएंगे फ्रेंड्स। ये देखो, ये ग्रीन कलर है, हमने ऐसे ये लगाया, ये ग्रीन कलर। 5 फंदे 1 2 3 4 5, 5 फंदे ग्रीन से बनाए। अब हम 5 फंदे हम पिंक कलर की ऊन, पिंक कलर के ये पट्टी से बनाएंगे। ये देखो, ये पिंक कलर लगाया मैंने। ये 5 फंदे 1 2 3 4 5, 5 फंदे हमने पिंक कलर की पट्टी से बनाए। अब हम 5 फंदे रेड कलर की पट्टी से बनाएंगे। 10 फंदे बनाएंगे। 2 3 6 7 8 9 और 10।
10 फंदे हमने रेड से बनाए। अब फ्रेंड्स ये बैक साइड है और ये राइट साइड है, ये सीधी तरफ से हमको कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमने इधर फंदे बनाए हैं वैसे ही इस तरफ भी बनाने हैं। जैसे हमने ये रेड से बनाए हैं 10, तो 10 हमको रेड से बनाने हैं। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और 10 फंदे हम रेड से बनाएंगे। जो जैसे फंदे बनाए हुए हैं वैसे ही हमको बनाने हैं। अभी फ्रेंड्स ये पिंक है हमारा, पिंक कलर से बनाने हैं। तो इस वूलन को हम पीछे ले जाएंगे इस धागे को, और ये वाला है जो पिंक कलर का है इसको हम क्रॉस करते हुए, फ्रेंड्स ये क्रॉस करते हुए इसको हम एक आगे लेकर आएंगे। इस तरह हम क्रॉस करते हुए धागा चेंज करेंगे। 2 3 4 5 ये देखो। अब फिर हम इसको पिंक वाले को पीछे ले जाएंगे और ग्रीन वाले को आगे लाएंगे। तो हमने क्रॉस करना है, ऐसे क्रॉस करते हुए इसको आगे लाना है, इसको पीछे करना है। इस तरह इससे बनाएंगे 5 फंदे। इस तरह अब हम वाइट से बनाएंगे। देखो ये वाइट आ गया हमारा, तो इसको हम वाइट से क्रॉस करेंगे ऐसे करके, और इसको वाइट को आगे लाएंगे ऐसे। ये हमें उल्टा उल्टा ही बनाना है, राइट साइड भी और रॉन्ग साइड भी। बस कलर चेंज करते हुए ऐसे बनाना है। लास्ट का फंदा हमको सीधा बनाना है। जैसे इस साइड हमने बनाया ये सीधा, ये ऐसे सीधा बनाना। अब देखो अब ये उल्टी तरफ है। पहला फंदा ऐसे उतारेंगे। अब हमारे 2 3 4 5 6 7 8 9 अब हम सफ़ेद से 9 फंदे बुनेंगे और ये ग्रीन से हम 1 सफ़ेद वाला ग्रीन से बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 इसके 5 फंदे बनाए। अब हम ये पिंक से बनाएंगे एक एक फंदा ऐसे। ग्रीन को हम पिंक से बना देंगे ऐसे 2 3 4 5 5 फंदे हमने ग्रीन से बनाए। अब हम इसको रेड से बना देंगे, पिंक वाले को रेड से बना देंगे, और ये वाले 10 फंदे पूरे नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स। अब इसमें हम 8 फंदे ही बनाएंगे, लास्ट में 2 छोड़ देंगे। ये देखो ये लास्ट में 2 फंदे रह गए, तो हम यहीं से बैक हो जाएंगे, यहीं से हम घूम जाएंगे ऐसे। अब हमने ऐसे घुमा लिया इसको, अब हमने इसको यहीं से घुमा लिया। ये 2 फंदे हमने नहीं बुने, यहाँ से हमने लिया इसको उतार लेंगे फंदे को, और यहाँ से बैक हो जाएंगे। और जो रेड फंदे हैं रेड से बनाएंगे। सीधी सिलाई में चेंज नहीं करना है,
वैसे ही रेड रेड से बनाएंगे, पिंक पिंक से बनाएंगे, ग्रीन ग्रीन से बनाएंगे ऐसे, और इसको क्रॉस करते हुए आगे पीछे लेके आना है। इसको ऐसे क्रॉस करते हुए पिंक फंदा, पिंक कलर का धागा लाना है, ऐसे पिंक से बनाने हैं। देखो फ्रेंड्स, अब हमने सीधी सिलाई बना ली, अब उल्टी सिलाई निकालेंगे। उल्टी हमको ये पहला फंदा स्लिप किया, फिर उल्टी सिलाई में अभी हमारे 9 फंदे थे, अब ये वाइट कलर से 8 फंदे रह जाएंगे। और ये हमारा अब यहाँ पे ये 8 फंदे रह गए हैं। अब 8 फंदे के बाद हमको इस कलर से ये वाइट वाला फंदा भी इस कलर से बुनना है, तो ये हमारे 5 के 5 रहेंगे। 1 2 3 4 5 ये हमारे 5 फंदे रहेंगे, और ये पिंक कलर से जो हम बनाएंगे वो भी 5 रहेंगे। ये जैसे हमने ये मैरून से बनाया हुआ है, तो ये अब पिंक से बना देंगे इसको। एक फंदा इधर इधर चलता जाएगा, 1 2 3 4 5 ये उल्टी सिलाई में ही हमको बदलना है। अब ये रेड रेड से बनाएंगे हम इसको पिंक वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो फ्रेंड्स, पहले हमने 2 फंदे छोड़े थे, अब हम फिर 2 फंदे छोड़ेंगे और यहीं से बैक हो जाएंगे। यहीं से बैक हो गए, और इसी तरह हमको 2-2 फंदे हर बार छोड़ते जाना है और बैक होते जाएंगे। इस तरह देखो फ्रेंड्स, फिर हमने ये सीधी सिलाई निकाल ली है पूरी। अब यहाँ से फिर हमारा एक फंदा इसमें कम हो जाएगा, इस तरह। जैसे पिछली सिलाई में मैंने बताया था, उसी तरह एक एक फंदा हमको इसमें कम करते हुए जाना है। ये देखो, अब इसे वाइट कलर, वाइट वाला इसे हम मैरून से बना देंगे 5, पर बीच में जो 5 फंदे हैं 5 ही रहेंगे, पर आगे आगे चलते जाएंगे। 4 5 5 हो गए, अब ये पिंक से 5 बनेंगे, 1 2 3 4 5 5 फंदे बन गए। अब ये फिर रेड से, ये पिंक वाला हम रेड से बना देंगे, 1 2 3 4 5 7 8। इस तरह हमारे एक एक इधर चलता जा रहा है, और ये 2-2 फंदे हमारे छूटते जाएंगे। पहले हमने 2 छोड़े थे, फिर 2 छोड़े, अब फिर 2 हम छोड़ देंगे, फिर इसमें यहीं से बैक ले लेंगे। इस तरह फ्रेंड्स सारा बनाना है, और जब यहाँ पर 2 फंदे रह जाएंगे, इसमें 2 फंदे रह जाते हैं, तब पूरी सिलाई फिर वाइट से बनाएंगे, फिर दोबारा से कलर चेंज करेंगे। तो इस तरह पूरी कली बन के तैयार हो जाती है, जैसे इसमें दिखाया मैंने। ये देखो, इसमें यहाँ पे एक एक फंदा हमारा इधर घटता हुआ चला जाता है, और यहाँ पर, यहाँ फ्रेंड्स देखो, ये 2 फंदे यहाँ पर वाइट के, 2 जब 2 फंदे रह जाते हैं, तब
तब पूरी व्हाइट से फिर ये वाली लाइन फिर व्हाइट से पूरी बनाएंगे, फिर हमें कलर डिवाइड करने पड़ेंगे, कलर फिर से हमें बांटना पड़ेगा। इस तरह हम पूरी पूरा अब मैं बना लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब जैसे हमने ये एक एक करके इधर कम करते गए तो हमारे ये दो फंदे रह गए हैं। अब दो फंदे जब रह जाएं हमारे इस तरफ तो हमको पूरा ये सिलाई, हम पूरी सिलाई है वो उल्टी वाइट से ही बनाएंगे हम पूरी सिलाई, मतलब वही दोबारा से। एक हमारी ये कली बनके तैयार हो गई है, अब हम इसको पूरा हम वाइट से बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। पूरी सिलाई वाइट से बनाएंगे और फिर उल्टी सीधी तरफ से भी वाइट से बनाएंगे, फिर दोबारा से हमें कलर चेंज करने हैं। ये देखो इसी तरह हमको सारी कलियाँ मतलब धीरे धीरे ऐसे ही बना लेनी है और अपने आप गोल हमारा फ्लावर वाला पायदान बन के तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये मेरा ये डोरमेट बन के तैयार हो गया है। ये पूरा यहाँ पे ये पूरी कलियाँ मेरी बन गई हैं। अब ये जैसे वाइट, ये हमारा यहाँ पे वाइट है तो हम ये यहाँ पे ऐसे ही इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे बंद करने के बाद हम इसको आपस में इनको सिल देंगे ऐसे करके। तो ये देखो मेरा पूरा डोरमेट बन के तैयार हो गया है। अब जैसे ये बीच में होल बन जाता है तो होल को हम जैसे या तो हम यहाँ पे ऐसे करके क्रॉस करके एक वो बना सकते हैं, जैसे हमने रेड कलर से क्रॉस करके इसको भर सकते हैं, नहीं तो कोई भी फ्लावर वगैरह बना के, जैसे मैंने ये फ्लावर बनाया है, ये फ्लावर बना के यहाँ पे लगा दो तो ये बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। ये देखो, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, बाय बाय।